हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल BDB ऑल अप टू डेट्स। आज की वीडियो लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बेस है, जो अगस्त 28, 2020। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 1 सितंबर से 7 बड़े बदलाव जो होने जा रहे हैं पूरी ऑल इंडिया के अंदर। तो इस बदलाव को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिटर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बटन का भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 7 जो बड़े बदलाव इंडिया में होने जा रहे हैं 1 सितंबर से, तो उनकी जो उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। जैसे कि नई दिल्ली 1 सितंबर 2020 से आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद कई चीज़ें बदल जाएंगी। जिन चीज़ों में बदलाव होने वाला है उनमें मुख्य रूप से LPG, होम लोन, EMI, एयरलाइन सहित कई और चीज़ें शामिल हैं। इनका आपकी जेब पर भी असर पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं इस सभी बदलावों की पूरी जानकारी। तो पहला हमारे पास आता है LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव। देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द ही रसोई गैस सस्ती हो रही है। LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में LPG सिलेंडर के दाम घटेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है, महंगा होगी फ्लाइट यात्रा। 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों डोमेस्टिक एंड एयर इंटरनेशनल फ्लाइट्स से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क ASF जिसे हम बोलते हैं वसूलने का फैसला किया है। ASF शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 की बजाय 160 रुपये वसूला जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.2 वसूला जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, बढ़ेगा EMI का बोझ, ख़त्म होगा मॉरेटोरियम। EMI चुकाने वाले ग्राहकों को जब जेब पर झटका लगता है, क्योंकि COVID-19 संकट की वजह से लोन ग्राहकों की EMI पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी वह 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक SBI व पंजाब नेशनल बैंक PNB की तरफ से अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। खुदरा लोन, कहने का मतलब जिसके अंदर खुदरा लोन के अंदर आएंगे हमारे पास होम, ऑटो, पर्सनल लोन जैसी सावधि कर्ज योजनाओं के तहत लिए गए लोन को किस तरह से जारी रखा जाए, इसका खाका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, दिल्ली मेट्रो हो सकती है शुरू। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मेट्रो ट्रेन जो है दिल्ली के अंदर या कोई और स्टेट के अंदर भी कोविड की चलते हुए बंद हो चुकी थी। अब उसके ऊपर जो है अहम फैसला लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, दिल्ली में मेट्रो शुरू होने कि रात देख रहे लोगों को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 1 सितंबर से ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा ये थी कुछ मेट्रो के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा शुरू होगी इंडिगो एयरलाइन की उड़ाने। बजट एयरलाइन इंडिगो ने अपनी उड़ाने स्टेप बाय स्टेप शुरू करने का ऐलान किया है। 1 सितंबर से प्रयागराज कलकत्ता एवं सूरत उड़ान भी शुरू हो जाएंगी। भोपाल लखनऊ रूट पर कंपनी 180 सीटों वाली एयरबस 320 चलाएंगी। यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को संचालित होंगी। पहली उड़ान 26 अगस्त बुधवार को भोपाल पहुंचेगी। कंपनी ने समर शेड्यूल में ही भोपाल से प्रयागराज, आगरा, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद एवं आगरा उड़ान शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना काल सहित कुछ कारणों से उड़ानें शुरू नहीं हो सकी। अब कंपनी ने प्रयागराज, कलकत्ता एवं सूरत उड़ान को शेड्यूल जारी कर 1 सितंबर एवं इसके बाद की तारीखों में बुकिंग शुरू कर दी गई है। उसके बाद केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने लिए गाइडलाइंस की तैयारी कर रही है। योजना पर सचिवों के समूह और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से इस बारे में चर्चा हो चुकी है। बताया जा चुका है कि अंतिम अनलॉक गाइडलाइंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी जाएगी। ओला उबर ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल। ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराए वाली कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से हड़ताल की धमकी दी है। कैब ड्राइवरों ने अपनी कई मांगें जैसे किराए में बढ़ोतरी और लोन रीपेमेंट मॉरेटोरियम के विस्तार को लेकर हड़ताल जाने की धमकी दी है। दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने कहा है कि अगर सरकार हमारी समस्याओं को हल करने में विफल रहती है तो कैब एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वाले लगभग 2 लाख ड्राइवर हड़ताल में शामिल होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो चेंज होने वाला है वो जीएसटी देनदारी अदा करने में देरी पर लगेगा 18% ब्याज। सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल के 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि 1 जुलाई 2017 से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआई ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि 1 सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि शेष टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाने की सुविधा का लाभ करदाताओं को 1 जुलाई 2017 की बजाय 1 सितंबर 2020 से मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स 27 अगस्त
28 अगस्त 2020 में जो अपडेट आई है कि 1 सितंबर से इन्हें लागू किया जाएगा। होप्सो की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगने पर कमेंट करके बताइए कि वीडियो का आपको कौन सा जो है इसके अंदर चेंजेस है आपको सबसे अच्छा लगा। चैनल पर पहली बार थे, बीडीबी ऑल अप टू डेट्स पर पहली बार आए थे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, घंटी वाले बटन के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने ही चैनल बीडीबी ऑल अप टू डेट्स पर। धन्यवाद, सत श्री अकाल, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।